खिचू पापड़ मशीन से कैसे बनते हैं हम बताने जा रहे हैं आपको ये वीडियो में। सबसे पहले चावल के आटे को एक टब में डाल के उसमें गर्म पानी डाल के खिचू को तैयार किया जाता है। उसके बाद इसको इस तरह से हाथ से प्रेस किया जाता है। उसके बाद बर्तन में बाफ देना पड़ता है। ये लोगों ने इस तरह से देखिए बर्तन में बाफ दिए हुए है। उसके बाद खिचू को इस तरह से मसलना है ताकि खिचू को एकदम प्रेस होके एकदम सॉफ्ट बन जाएगा। आप देख रहे हैं हमारे ये भैया किस तरह से खिचू को गूंथ रहे हैं ताकि खिचू एकदम सॉफ्ट और मुलायम बन जाएगा। इसके बाद हम एक एक टुकड़े को इस तरह से डब्बे में पैक कर देंगे ताकि एक गर्म खिचू रहे। इसके बाद सिंपल से आप खिचे का पापड़ का मशीन देख सकते हैं। इसमें आपने बनाया हुआ खिचिया डाल देना है, ऑटोमेटिकली ये मशीन आपको खिचिया काट के दे देगा। आप देख सकते हैं एक ही लेडीज कितना आसानी से मशीन में काम कर रही है। इसको सब उठा उठा के सिर्फ उसको सुखाना है। आपको ये मशीन चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करके मंगवा सकते हैं। इसमें आपको छोटा बड़ा सब साइज का मशीन मिल जाएगा। अब देखिए इन्होंने पापड़ को घास पे सुखाया। घास पे सुखाने से एकदम नेचुरल टेस्ट और नेचुरल स्मेल मिलता है। तो दोस्तों कैसा लगे आपको ये बिजनेस? अगर आपको भी ये बिजनेस करना चाहते हो या जानकारी लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।